Press the bell icon from your YouTube app and never miss any update from MJ Infotainment. हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे टेलीविजन की क्यूटेस्ट, प्रीटीएस्ट एंड इनोसेंट फेस चाहत पांडे की। चाहत का जन्म 1 जून 1999 में मध्य प्रदेश के दमोह डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। आज चाहत हम सबको बिग बॉस 18 में दिखाई दे रही है और लोगों को वहाँ काफ़ी पसंद भी आ रही है, जहाँ चाहत पांडे अभी सोशल मीडिया में एक ट्रेंडिंग नेम बन चुकी है और लोग उनकी पर्सनल लाइफ एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। वेल दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं चाहत पांडे की प्रोफेशनल लाइफ यानी कि टीवी कैरियर की जर्नी के बारे में। जिन्होंने अपनी टीवी कैरियर की शुरुआत एज अ टीनेजर 17 साल की उम्र में करी थी। वेल दोस्तों, चाहत पहली बार 2016 में दूरदर्शन के सीरियल पवित्र बंधन में मिस्ट्री रॉय चक्रवर्ती के एक छोटे से करैक्टर में नजर आई थी और फिर उसी साल चाहत को सावधान इंडिया के वेरियस एपिसोड्स में भी देखा गया था, जहां उन्होंने सावधान इंडिया के लिए 2 से 3 एपिसोड्स किए थे। और फिर पूरे साल भर 2017 के लिए चाहत ने कई एपिसोडिक शोज पे काम किया, जैसे कि चाहत नजर आई बिग मैजिक के हॉरर सीरियल चीक, एक खौफनाक सच में। इसके अलावा वो लाइफ ओके के क्राइम ड्रामा होशियार में भी दिखी थी और फिर सोनी टीवी के क्राइम शो क्राइम पेट्रोल के वेरियस एपिसोड्स में भी चाहत नजर आई थी। लेकिन इन सबसे चाहत को कोई खास पहचान नहीं मिली और फिर साल 2017 के अंत में स्टार भारत के सुपर पॉपुलर सीरियल राधा कृष्ण का फर्स्ट प्रोमो लॉन्च हुआ, जहां चाहत राधा रानी के रूप में नजर आई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ प्रोमो तक ही नजर आई और मेन लीड में मल्लिका सिंह ने राधा रानी के रोल में उन्हें रिप्लेस कर दिया। और फिर आया साल 2018, जहां चाहत को मिला कलर्स का वो बढ़िया सीरियल महाकाली अंत ही आरंभ है, जहां चाहत भगवान शिव और माता पार्वती की पुत्रवधु देवसेना के किरदार में दिखी थी। ये रोल भले ही छोटा था लेकिन ऑडियंस को कार्तिकेय और देवसेना की पेयरिंग काफ़ी पसंद आई थी और यहां से कुछ हद तक चाहत को ऑडियंस का अटेंशन मिला। वेल 2018 में ही चाहत पांडे सब टीवी की पॉपुलर हिस्टोरिकल सीरियल तेनालीरामा में भी नजर आई थी एक प्यारे से किरदार अनंता लक्ष्मी के रूप में, जहाँ अनंत लक्ष्मी के किरदार में चाहत कुछ ही एपिसोड्स के लिए दिखाई गई थी लेकिन दर्शकों को वो काफ़ी पसंद आई थी। और फिर एक बार चाहत एक एक दिन वाले कुछ एपिसोडिक सीरियल्स में नजर आई, इसमें से था कलर्स का हॉरर सीरियल कौन है, तो वही चाहत दंगल टीवी के क्राइम शो इंडिया अलर्ट के वेरियस एपिसोड्स में भी नजर आई थी। और फिर साल 2019 आया, जहाँ चाहत को मिला सब टीवी का पॉपुलर सीरियल अलादीन, नाम तो सुना होगा, जहाँ चाहत को एक मेहर नाम की शहजादी के किरदार में इंट्रोड्यूस किया गया और वो इस किरदार में काफ़ी खूबसूरत नजर आई। पर यह किरदार शो में सिर्फ कुछ ही लिमिटेड एपिसोड्स तक ही दिखाया गया था, लेकिन इस रोल से चाहत को एक अच्छा एक्सपोजर मिला। और फिर जून 2019 में चाहत को मिला जी टीवी का सीरियल हमारी बहू सिल्क, जहाँ वो एज अ लीडिंग एक्ट्रेस फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की गई। इस शो में वो पाखी नाम के किरदार में थी और उनका ये रोल दर्शकों को काफ़ी पसंद आया, पर TRP कम होने के कारण से ये शो 4 मंथ में ही बंद हो गया। इसके बाद चाहत पांडे ने दंगल टीवी के माइथोलॉजिकल सीरियल द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण सर्वकला संपन्न में राधा रानी का लीड रोल भी किया, पर ये शो कब आया कब गया ऑडियंस को पता भी नहीं चला। और फिर साल 2019 के अंत में चाहत NTV के हॉरर सीरियल लाल इश्क के 3 अलग अलग एपिसोड्स में नजर आई। फिर साल 2020 की शुरुआत में चाहत नजर आई सोनी टीवी के माइथोलॉजिकल सीरियल मेरे साई श्रद्धा और सबूरी में, जहाँ वो साई बाबा की भक्त उपासना के किरदार में दिखी थी और उनका ये किरदार काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव था। और साल 2020 के अंत में ही चाहत को स्टार भारत का सीरियल दुर्गा माता की छाया मिला, जहाँ वो एज अ लीडिंग कैरेक्टर दुर्गा के किरदार में दिखी थी और उनके अपोजिट थे अविनाश मिश्रा। इस शो से सबको बहुत उम्मीदें थी लेकिन कम TRP की वजह से ये शो सिर्फ 3 महीनों के अंदर ही बंद कर दिया गया। और फिर आया साल 2021, जिससे चाहत को सही मायनों में सफलता दिखाई। जी हाँ, इस साल मिला चाहत को दंगल टीवी का मोस्ट पॉपुलर एंड लॉन्गेस्ट रनिंग सीरियल नथ, जेवर या जंजीर, जहाँ चाहत महुआ के लीडिंग रोल में थी और उनके अपोजिट थे 3 हीरो, जहाँ फर्स्ट टाइम उनकी केमिस्ट्री अरिजीत तनेजा के साथ दिखाई गई, जिसे ऑडियंस ने काफ़ी पसंद किया। जिसके बाद उनके अपोजिट अविनाश मिश्रा को भी इंट्रोड्यूस किया गया, जिनके साथ उनकी केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा पसंद की गई। पर अविनाश के कैरेक्टर के एंड होने के बाद अंकित गेरा को भी चाहत के अपोजिट लाया गया। और फिर साल 2023 में इस शो ने जनरेशन लीप लिया
और शो का नाम रखा गया नत कृष्णा और गौरी की कहानी, जहाँ चाहत कृष्णा के लीड रोल में थी और उनकी सिस्टर गौरी के रोल में थी आलिशा पनवर, जहाँ ये दो बहनें और एक हीरो के अराउंड लव ट्रायंगल था। इसका दूसरा सीजन भी सक्सेसफुल रहा और चाहत पांडे स्टारर ये शो दंगल टीवी का वो पहला शो बन गया जिसने 1000 से वो ज़्यादा एपिसोड पूरे कर लिए। नत वो शो बना जिसने चाहत को टीवी का एक सक्सेसफुल लीडिंग फेस बना दिया, और नत क्विट करते ही चाहत को ऑफर हुआ कलर्स का नंबर वन रियलिटी शो बिग बॉस, जहाँ इसके 18वें सीजन में चाहत अपनी क्यूटनेस और इनोसेंस से ऑडियंस के दिलों को बखूबी जीत रही है। तो दोस्तों ये थे चाहत के और टीवी सीरियल्स एंड कैरेक्टर्स। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें बताएं चाहत का कौन सा सीरियल आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया और चाहत की परफॉर्मेंस आपको बिग बॉस 18 में कैसी लग रही है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।